Hello guys, this is Suman. Welcome to our YouTube channel that is Avision Institute, the Avision for Government Jobs. ये जो हम लोग जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो डेली तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ये वीडियो जितने तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी और भी स्टेट लेवल एग्जाम और WBCS EPSC जैसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। तो आज का जो करंट अफेयर्स जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन 17 अप्रैल 2019। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दैट इज इंडियाज फर्स्ट एग्जॉटिक बर्ड पार्क एसल वर्ल्ड बर्ड पार्क वॉज लॉन्च बाय एसल वर्ल्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड इन डस। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि इंडियाज फर्स्ट एग्जॉटिक बर्ड पार्क एसल वर्ल्ड बर्ड पार्क वॉज लॉन्च बाय एसल वर्ल्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड इन डस। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई, ऑप्शन ई देहरादून। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी मुंबई। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इंडियाज फर्स्ट एक्सोटिक बर्ड पार्क एसल बर्ड पार्क का नाम क्या है, एसल वर्ल्ड बर्ड पार्क जो लॉन्च किया कौन, एसल वर्ल्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड, कहां पर, मुंबई में। तो देखिए जो एसल वर्ल्ड बर्ड पार्क जो लॉन्च किया कौन, एसल वर्ल्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड, किस लिए, द एंटरटेनमेंट आर्म ऑफ $6 बिलियन एसल ग्रुप इन मुंबई, ठीक है। और ये जो एसल वर्ल्ड बर्ड पार्क, ये जो इंडिया का पहला एग्जॉटिक बर्ड पार्क है, ठीक है। ये कितना लैंड कवर करते हैं, 1.4 acres, ठीक है। And this park was surrounded by flora and fauna. It is home to over 500 exotic birds from more than 60 species of flying, terrestrial and aquatic birds, and has 200 species of special plants and trees for the birds. Okay? So, Esl World Bird Park launch kon kiya? Esl World Laser Private Limited. Okay? कहां पर, मुंबई में, जो महाराष्ट्र में है। और ये इंडिया का पहला मतलब एग्जॉटिक बर्ड पार्क है, ठीक है। और ये जो पार्क है कितना लैंड कवर कर रही है, 1.4 acres, ठीक है। और दिस पार्क वॉज सराउंडेड बाय द फ्लोरा एंड फौना, इट इज द होम ऑफ ओवर 500 एग्जॉटिक बर्ड्स फ्रॉम मोर देन 60 स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग, टेरिस्टोरियल एंड एक्वाटिक बर्ड्स, एंड हैज 200 स्पीसीज ऑफ स्पेशल प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर द बर्ड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल डैश फ्रॉम ए टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल डैश फ्रॉम ए टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी विजय, ऑप्शन डी निर्भय, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी निर्भय। तो देखिए इंडिया ने क्या किया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय इन उड़ीसा। तो देखिए इंडिया का पहला एक क्या लॉन्ग रेंज सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल, उसका नाम क्या है, निर्भय, उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया कहां से, उड़ीसा से। द ऑल वेदर मिसाइल हैज ए 1000 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज, इसका जो स्ट्राइक रेंज होगा वो हो गए 1000 किलोमीटर, ओके। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड इज डिजाइंड टू कैरी कॉन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वायरहेड्स। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इंडिया ने पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है निर्भय, जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया कहां से, उड़ीसा से। द ऑल वेदर मिसाइल, ये जो मिसाइल है इसका स्ट्राइक कितना, मतलब इसका व्यू रेंज कितना है, 1000 किलोमीटर,
and it can be launched from multiple platforms and is designed to carry conventional and nuclear warheads. Chalte agle question ke taraf. Question number 3. Airtel and FICCI ladies organization jisko FLO bola jata hai. So, Airtel and FICCI ladies organization have been launched women's safety app. What is the name of this app? देखिए एयरटेल और एफआईसीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ये दोनों मिलकर एक ऐप लॉन्च किया जो वुमेन सेफ्टी के लिए. तो उस ऐप का नाम क्या है? इसमें पांच ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए माय ओपिनियन, ऑप्शन बी माय डिसीजन, ऑप्शन सी माय सर्कल, ऑप्शन डी माय ऑर्डर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी माय सर्कल. तो एयरटेल और एफआईसीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? माय सर्कल. ठीक है, तो देखिए भारतीय एयरटेल एक टेलीकॉम सर्विस है, एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया. भारतीय एयरटेल और एफआईसीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक मतलब वुमेन सेफ्टी के लिए एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम माय सर्कल. ये जो सर्कल जो ये जो ऐप है किस लिए बनाया गया, ये जो मतलब कोई वुमन क्या हुआ, कोई पैनिक सिचुएशन में है तो उसको उसके लिए ये ऐप बनाया गया. एंड दिस ऐप माई सर्कल ऐप एनेबल्स वुमन टू सेंड एसओएस अलर्ट्स टू एनी 5 ऑफ देयर फैमिली और फ्रेंड्स इन 13 लैंग्वेज. ये जो उसका जो प्रॉब्लम मतलब कोई पैनिक सिचुएशन में कोई वुमन गिरा है तो उसको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट्स कर रहा है तो उसको कैसे बताएगा, वो 5 फ्रेंड्स को बता सकता है और मैक्सिमम 5 फ्रेंड्स को बता सकता है, कभी भी उसका फैमिली को बता सकता है. तो कितना लैंग्वेज में? 13 लैंग्वेज में. क्या क्या है? इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, असमीज, उड़िया एंड गुजराती. तो क्या बोला गया, भारतीय एयरटेल और एफआईसीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐप लॉन्च किया, किस लिए? उस ऐप का नाम क्या है? माय सर्कल. किस लिए? दिस ऐप वाज डिजाइन्ड टू एम्पावर वुमेन इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्ट्रेस और एनी पैनिक सिचुएशन. एंड माय सर्कल ऐप एनेबल्स वुमेन टू सेंड एसओएस अलर्ट्स टू एनी 5 ऑफ देयर फैमिली और फ्रेंड्स इन 13 लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, असमीज, उड़िया एंड गुजराती. चलते अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन इनोग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वोटर पार्क. तो क्वेश्चन क्या पूछा, जो कौन सा स्टेट जो इंडिया का पहला स्टेट है जिसने वोटर पार्क लॉन्च किया, मतलब इनोग्रेट किया. इसमें 5 ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन ई तेलंगाना. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी हरियाणा. तो देखिए इंडिया मतलब हरियाणा जो स्टेट है, इंडिया का जो पहला स्टेट है जहां पर इंडिया का पहला वोटर पार्क इनोग्रेट किया. ठीक है, इसका एम क्या है? टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस एंड एडुकेटिंग पीपल अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेसेस. हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसका नाम क्या है? मिस्टर राजीव रंजन. उसने क्या किया, दिस पार्क को इनोग्रेट किया. इस पार्क को इनोग्रेट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मोटिवेट एलिजिबल पीपल टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शन सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. तो इंडिया का पहला जो वोटर पार्क इनोग्रेट किया गया कहां पर? हरियाणा में, जो गुरुग्राम है. उसका एम क्या है? टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस एंड एडुकेटिंग पीपल अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेसेस. हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, नाम क्या है, ये नाम याद कर लेना, राजीव रंजन. उसने क्या किया, इस जो वोटर पार्क को लॉन्च किया मतलब इनोग्रेट किया. इसका एम क्या है? टू मोटिवेट एलिजिबल पीपल टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शन सो दैट they can contribute to the progress of the country. Chalte agle question ki taraf. Question number 5. Dash celebrates major agricultural events as the festival of Bihu.
मतलब कौन सा स्टेट, ये एग्रीकल्चर इवेंट्स, उसका फेस्टिवल जो क्या है, बिहू जो फेस्टिवल है उस एग्रीकल्चर इवेंट्स को क्या करता है, सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी मणिपुर, ऑप्शन ई पंजाब। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी आसाम। तो आसाम ने क्या करते हैं, जो उसका एक फेस्टिवल है उसका नाम क्या है, बिहू। और जो बिहू फेस्टिवल होते हैं वह मतलब आसाम में, उसमें बहुत सारे मतलब जहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इवेंट्स उसमें सेलिब्रेट होते हैं। तो देखिए आसाम ने क्या किया, आसाम ने बहुत दिन से वेट कर रहा था तो उसका कब मतलब नया साल आएगा, तो उसका नया साल का नाम क्या है, जो मतलब बिहू जो होता है, अनुष्ठान होता है उसमें रंगली बिहू, ऑल्सो नोन एज बोहाग बिहू, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू आसामीज कैलेंडर ईयर स्टार्टेड। तो ये जो बोहाग बिहू, ये जो मार्क होती है कहाँ पर, जो आसाम में मार्क करते हैं, जो उसका जो न्यू आसाम का जो न्यू साल शुरू होते हैं, ठीक है। आसाम सेलिब्रेट्स मेजर एग्रीकल्चर इवेंट्स एज अ फेस्टिवल ऑफ बिहू। बिहू में क्या होता है, आसाम ने क्या करते हैं, जो वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इवेंट्स क्या सेलिब्रेट करते हैं। इन आसाम थ्री बिहू फेस्टिवल, आसाम में तीन बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं एक ईयर में, उसको क्या क्या नाम है, रंगली बिहू जिसको बोहाग बिहू बोला जाता है, बोगाली बिहू जिसको माघ बिहू बोला जाता है, और कंगाली बिहू जिसको काटी बिहू बोला जाता है। तो चलते ही अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। देखिए इसमें पांच ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए बी के नायक, ऑप्शन बी बी के सिंह, ऑप्शन सी डी के नाथ, ऑप्शन डी आर के शर्मा, ऑप्शन ई बी सिंह। तो क्वेश्चन के एक बार फिर से बोल रहा हूं कि कौन मतलब किसको अपॉइंटेड किया गया एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए बी के नायक, ऑप्शन बी के सिंह, ऑप्शन सी डी के नाथ, ऑप्शन डी आर के शर्मा, ऑप्शन ई वी सिंह। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए बी के नायक। तो देखिए भीबू कल्याण नायक जो इंडिया का पहला पर्सनालिटी है जिसको क्या किया, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, कौन, द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ने। तो देखिए वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ने क्या किया, भीबू कल्याण नायक को क्या किया, चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एंड हेल्थ सेफ्टी कमेटी में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, जो भीबू कल्याण नायक जो है इंडिया का पहला फेमस पर्सनैलिटी है। ही इज फ्रॉम, जो भीबू कल्याण नायक जो है वो भुवनेश्वर से है। नायक हैज एक्सटेंसिवली ट्रेंड इन स्पोर्ट्स डर्मेटोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एट हवाना क्यूबा एंड नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर एट माद्रिद स्पेन। ही विल सर्व ए 2-year टर्म। देखिए भीबू कल्याण नायक को जो इंडिया का पहला पर्सनैलिटी है जिसको क्या किया, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, क्या, कौन, वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ने। भीबू कल्याण नायक कहाँ से है इंडिया का, भुवनेश्वर से है जो उड़ीसा में है, और ये जो चेयरमैन के रूप में काम करेगा 2 साल के लिए वो भीबू कल्याण नायक ने काम करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज बीन डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन अटैक बोट नेम मेरीन लिजर्ड। जो कौन सा कंट्री ने वर्ल्ड का विश्व का पहला मतलब आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन अटैक बोट लॉन्च किया, डेवलप किया, उसका नाम है मेरीन लिजर्ड। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रसिया, ऑप्शन ई इंडिया। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी चाइना। तो चाइना ने क्या किया, जो यूचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप वो चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के अंदर में है, ठीक है, उसने क्या किया, मेरीन लिजर्ड बोल के एक मतलब एक क्या किया, एक आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन अटैक मतलब लॉन्च किया गया, ठीक है।
तो फिर से एक बार बोलना, मेरिन लिजर्ड वॉज बिल्ड बाय वुचंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप अंडर द चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन. इट कुड बी यूज इन लैंड एंड सी एसल ऑपरेशन. द एमबीबीएस मेरिन लिजर्ड कैन पॉसिबली फ्रॉम द अनमैन सी लैंड एयर इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम विथ एरियल आर्म्ड रिकॉन्सिनेसेंस ड्रोन्स एंड अदर ड्रोन्स शिप्स. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल ओन द पुलिट्जर प्राइज 2019 इन फिक्शन प्राइज. तो फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल ओन द पुलिट्जर प्राइज 2019 इन फिक्शन प्राइज. तो देखिए इसमें पांच ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए द ओवर स्टोरी, ऑप्शन बी डॉग्स गो उल्फ, ऑप्शन सी ए लकी मैन, ऑप्शन डी गन लव, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए द ओवर स्टोरी. तो पुलिट्जर प्राइज कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1917 में बाय द प्रोविजंस इन द विल ऑफ अमेरिकन जोसेफ पुलिट्जर हु हैड मेड हिज फॉर्च्यून एज न्यूज़पेपर पब्लिशर एंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी. ठीक है, तो पुलिट्जर प्राइज एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1917 में by the provisions by the will of American Joseph Pulitzer who had made his fortune as a newspaper publisher and is administered by Columbia University jo New York City mein hai. To is bar Pulitzer Prize kaun sa Nobel jo jeeta jo fiction category mein, wo hai The Over Story. The Over Story jo novel hai kaun likha hai? Uska naam hai Mr. Richard Powers. Mr. Richard Powers. तो फिक्शन कैटेगरी में The Over Story जो नॉवल है उसको इस बार क्या मिला है? जो पुलिट्जर प्राइज मिला है वो जो The Over Story जो नॉवल है वो कौन लिखा है? उसका नाम है मिस्टर रिचर्ड पावर्स. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9, हु ओन द 2019 सिंगापुर ओपन इन मेन्स कैटेगरी. मतलब 2019 में जो सिंगापुर ओपन हुआ तो उसमें मेन कैटेगरी में कौन जीता? तो देखिए इसमें पांच ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन क्या क्या है? केंटो मोमेटा, ऑप्शन बी लिन डन, ऑप्शन सी ली चोंगवी, ऑप्शन डी समीर वर्मा, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए केंटो मोमेटा. केंटो मोमेटा जो जापान से है, लेकिन सिंगापुर ओपन क्या है? एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है. लेकिन 2019 में जो सिंगापुर ओपन हुआ है कहां पर? सिंगापुर इंडोर स्टेडियम में, जो सिंगापुर में है. तो देखिए 2019 में जो सिंगापुर ओपन हुआ है कहां पर? सिंगापुर इंडोर स्टेडियम में. तो ये जो सिंगापुर ओपन जो टोटल पार्स है कितना है? $355,000. और जो मेल कैटेगरी में केंटो मोमेटा जो जापान से है वो सिंगापुर ओपन जीता है. चलते अगले क्वेश्चन की तरफ जो लास्ट क्वेश्चन है. द थीम फॉर द वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 इज डैश. तो देखिए इसमें पांच ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन क्या है? इस ऑप्शन ए शेयर द मैसेज, ऑप्शन बी एलर्जी इज अ बिग प्रॉब्लम, ऑप्शन सी प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी, ऑप्शन डी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी. तो देखिए एक वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 जो ग्लोबली सारा विश्वव्यापी में ये हो रहा है. तो वर्ल्ड एलर्जी वीक कितना से कितना? 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगा. ठीक है, लेकिन 2019 में जो वर्ल्ड एलर्जी वीक हो रहा है इसका थीम क्या है? द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी. इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड एलर्जी वीक को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कब से कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल टू 13 अप्रैल. और इस बार जो 2019 में जो वर्ल्ड एलर्जी वीक हो रहा है तो इसमें थीम क्या है? थीम है द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी. द ईच ईयर द वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसेस अ डिफरेंट टॉपिक दैट हैज अ नीड फॉर द ग्रेटर अवेयरनेसेस. Thank you for watching my video. To get the latest update, to subscribe our channel, that is our Vision Institute, and to press the bell icon to get the latest video and notification. Thank you.